महाराष्ट्र ग्रामीण आरोग्य बहुउद्देशीय संस्था की ओर से तारीख 7 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक एक्यूप्रेशर चुंबकीय चिकित्सा मार्गदर्शन शिविर का आयोजन सोमवार क्वार्टर के शीतला माता मंदिर अब्दुल कलाम लाइब्रेरी के पास किया गया है। इस शिविर में स्वास्थ्य से जुड़े हर रोग की जांच की गई। परिसर के नागरिकों ने इस शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पेश हमारे संवाददाता संजय मेरे, इनकी रिपोर्ट सोमवार क्वार्टर से, आइए देखते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई किसी न किसी बीमारी से परेशान है। ढलती उम्र के साथ हर व्यक्ति का शरीर भी बीमारी की चपेट में है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द, अर्थराइटिस, शुगर, बवासीर आदि बीमारी पर एक्यूप्रेशर और चुंबक पद्धति द्वारा इलाज कर रहे ये हैं फिजियोथेरेपिस्ट श्याम सोनवणे। श्याम सोनवणे और उनकी टीम ने अब तक सैकड़ों मरीजों का इलाज किया है और इलाज का दौर अभी भी जारी है। महाराष्ट्र ग्रामीण आरोग्य बहुउद्देशीय संस्था की ओर से तारीख 7 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक एक्यूप्रेशर चुंबकीय चिकित्सा मार्गदर्शन शिविर का आयोजन सोमवार क्वार्टर के अब्दुल कलाम लाइब्रेरी शीतला माता मंदिर परिसर में आयोजित किया गया है। अब तक इस शिविर में 90 से ज्यादा मरीजों ने रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना इलाज करवा रहे हैं। मरीजों को इस शिविर का फायदा भी हो रहा है। आयोजित इस शिविर के बारे में थेरेपिस्ट श्याम सोनवणे, जॉन फ्रांसिस और सविता जाधव, इन्होंने बीसीएन संवाददाता समक्ष जानकारी दी है। सर, ये जो चिकित्सा है प्राकृतिक चिकित्सा है, इसमें हम लोग दवाई वाली कुछ देते नहीं है। एक्यूप्रेशर और मैग्नेटिक थेरेपी द्वारा जोड़ों का दर्द, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, इन बीमारियों पर अच्छा इलाज किया जा रहा है। अब तक इस शिविर में 90 से ज़्यादा लोगों ने इलाज करवा रहे हैं। बहुतांश लोगों को अच्छा फायदा हो रहा है। अमर ज्योति बौद्धिक संस्था ने यह शिविर आयोजित किया हुआ है। यह शिविर हमारा निरंतर 13 मार्च तक चलेगा। शिविर का समय सुबह 10 से 1 तक रहेगा, शाम को 3 से 6 बजे तक रहता है। और विशेष करके इस शिविर में जोड़ों का दर्द, गठिया से काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और विशेष महिला लोग ज़्यादा इस शिविर में फ़ायदा ले रहे हैं। यहाँ पर जब से शिविर लगा है, हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं, इनको बहुत फ़ायदा हो रहा है और ख़ास करके लेडीज़ लोग हैं। अब जो भी यहाँ से इलाज करा के जा रहा है वो सब बोले हमारे को आराम मिल रहा है, आराम मिल रहा है, इसकी वजह से और ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। देखिए सर, यहाँ जो है शिविर हम लगाया है, इसका उद्देश्य है सबका जो शरीर का दर्द है, जैसे साइटिका पेन है, कमर दर्द का रहा, जॉइंट का रहा, जो भी है माइग्रेन का है, उसके बाद उसके लिए हम थेरेपी देते हैं। और यहाँ कोई भी प्रकार की मेडिसिन मुँह में डाली नहीं जाती है, सिर्फ हम ओनली फॉर थेरेपी देते हैं। थेरेपी में हम मैग्नेटिक थेरेपी देते हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपी देते हैं, सुजोक थेरेपी देते हैं। ये जो हम अलग अलग टाइप की जो थेरेपी देते हैं, थेरेपी से सबको पेन जो है, जो भी है, वो कम होता है सर। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमको यहाँ मिल रहा है और यहाँ कम से कम 93 पेशेंट आज हो चुके हैं सर। दर्शक नमस्कार, इस समय में डिसेंटिटिव सोमवार क्वार्टर के शारदा माता मंदिर में एक आयु हुई है, जहाँ पे कई मरीजों का इलाज एक्यूप्रेशर के जरिए किया जा रहा है। जी हाँ, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करना चाहता है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहता है, मगर अफसोस कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वे अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, जिसके चलते फिर पीठ का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या घुटनों का दर्द हो, या फिर शुगर हो, ये जो बीमारियाँ काफ़ी बहुत ज़्यादा पनप रही है। लेकिन शहर में कुछ ऐसी भी बहुउद्देशीय संस्था है जो काफ़ी अच्छा कामकाज कर रही है। इसी क्रम में महाराष्ट्र ग्रामीण विकास और बहुउद्देशीय संस्था के जरिए आज यहाँ पर चुंबक चिकित्सा पद्धति ये उपयोग में लाई जा रही, जिसका फायदा इस सोमवार क्वार्टर के तमाम नागरिक उठा रहे हैं। शारदा माता मंदिर से संजय मीरे, बीसीएन न्यूज, नागपुर।